हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भिंडी की रेसिपी तो सभी बना लेते हैं, लेकिन आप देखिए तो आगे आगे कैसे बनती है। तो ये मैंने लिए भिंडी, और ये दो कटी हुई प्याज, जैसा भिंडी कटा हुआ है वैसे ही साइज का। और ये लिया है मैंने 3 हरी मिर्च कटा हुआ। चलिए शुरू करते हैं भिंडी की रेसिपी बनाना। गैस को कर लेते हैं ऑन। मैं लोहे की कढ़ाई में ही यूज़ करती हूँ। आप लोग जो भी यूज़ करें, जिसमें भी बनाते हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम करना है, हाई टू फ्लेम पे, जब तक इससे धुआं ना निकलने लगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसको धुआं निकलने लगा है। अब इस फ्लेम को कर देंगे स्लो। अब इसमें डालेंगे हींग और डाल देंगे भिंडी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर। अब इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है, धीरे धीरे फ्लेम को रखना है स्लो। भिंडी हमारी पक रही है, तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मैं डाल लूँगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। हल्दी मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, अब मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं। जब तक भिंडी हमारी 50% पक नहीं जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्याज तो मैंने डाला ही नहीं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। अभी जब तक ये पक नहीं जाएगा, 50% तक भिंडी नहीं पकेगी, तब तक मैं इसमें प्याज नहीं ऐड करूँगी। प्याज को भूनना भी नहीं है, क्योंकि भूनने से उसकी मिठास ख़त्म हो जाती है। भिंडी तो थोड़ी सी खटास हो और मिठास भी हो, तभी खाने में अच्छी लगती है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी। जिसमें ये 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी।
5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, हरी मिर्च और प्याज को भूनना नहीं है, बस ऐसे ही डाल देना है। अब इसको मैं फिर से 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। अब मैं 50% भिंडी हमारी पक चुकी है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। अच्छे से चला दीजिए जिसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे नमक तो मैंने डाला ही नहीं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखना है। एक बार आप लोग भी ऐसे भिंडी की रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा। ना ही मिर्च भूननी है, ना ही प्याज भूनना है, सिर्फ हींग डालना है और भिंडी को पका लेना है। अब इसको मैं ढक दूंगी, इसमें सारे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे। अब सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं, वो 3 मिनट हो गया है। भिंडी हमारी पक चुकी है, प्याज भी अच्छे से पक गया है, सारे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसको 5 मिनट तक ऐसे ही मीडियम हाई टू फ्लेम पे भून लीजिए। जो भी इसमें मॉइस्चर बचाओ वो अच्छे से निकल जाए। भिंडी हमारी अच्छे से पक गई है, अब मैं इसमें मिक्स करूंगी हरा धनिया। अब काफी लोग सोच रहे होंगे हरा धनिया भिंडी में भी हरा कलर होता है, हरा धनिया तो हम लोग खुशबू के लिए डालते हैं, इसलिए मैं हरा धनिया सभी में यूज़ करती हूँ, आप लोग भी यूज़ करिए, हरा हो या कुछ भी हो, धनिया तो खुशबू के लिए होता है। काफ़ी लोग नहीं डालते हैं क्योंकि हरा कलर होता है सब्ज़ी का, पालक में भी नहीं डालते हैं, पर मैं पालक में भी डालती हूँ हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया सेम कलर से मतलब नहीं है, मतलब है तो खुशबू से। भिंडी हमारी बनके तैयार है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, आप लोग भी एक बार ऐसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है ये भिंडी। और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।